आज की वीडियो में हम एक ऐसी मूवी को एक्सप्लेन करेंगे जिसमें एक आदमी एक ऐसी जगह पर फंस गया जहां से निकलना काफ़ी मुश्किल था। तो ये आदमी उस जगह से कैसे निकला, इसका जवाब आपको वीडियो में आगे मिलेगा। मूवी का नाम मैनहोल है। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कंपनी के सारे एम्प्लॉयज एक आदमी को शादी की बधाई दे रहे हैं जिसकी शादी CEO की बेटी से होने वाली है और इस खुशनसीब आदमी का नाम कामुरा है। कामुरा इस शादी से काफ़ी ज़्यादा खुश है, इस वजह से वो अपनी बैचलर पार्टी को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। खुशी खुशी में वो काफ़ी ज़्यादा पी लेता है और पार्टी ख़त्म करने के बाद जब वो घर पर जा रहा होता है तो वो गलती से खुले हुए गड्ढे में गिर जाता है। अब जब उसकी आँख खुलती है तो वो ये देखता है कि वो एक सीवर के अंदर गिरा हुआ है और उसकी एक टांग टूट गई है जिसकी वजह से उसे काफ़ी ज़ोर से दर्द हो रहा था। तो वो उस चोट पर रुमाल बांधकर सीवर से बाहर निकलने का ट्राई करता है लेकिन उस सीवर से बाहर आने की सीढ़ियाँ टूटी हुई थी। वो काफ़ी कोशिश करता है कि वो किसी तरह से इस सीवर से बाहर निकल जाए मगर उसकी सारी कोशिशें बेकार हो जाती है और वो दोबारा से सीवर में गिर जाता है जिसकी वजह से उसे दोबारा चोट लग जाती है। उस चोट की वजह से उसे काफ़ी दर्द हो रहा था, साथ ही वो मदद के लिए भी चिल्ला रहा था लेकिन उसको सुनने वाला वहाँ पर कोई भी नहीं था। इसके बाद वो अपना बैग चेक करता है जिसमें उसे उसका मोबाइल रखा हुआ मिलता है तो वो मोबाइल को निकालकर कॉल मिलाने लग जाता है लेकिन उसकी कॉल नहीं लग पा रही थी क्योंकि उस सीवर में नेटवर्क इशू था। वो काफ़ी ज़्यादा ट्राई करता है लेकिन उसकी कॉल नहीं मिल पा रही थी। इस वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट भी हो चुका था। थोड़ी ही देर में उसके पास उसकी एक्स गर्लफ्रेंड नियो का कॉल आ जाता है और वो उसे अपनी पूरी परेशानी बता देता है। तो नियो उसे बोलती है, तुम पुलिस को कॉल क्यों नहीं करते, तुम उन्हें कॉल करके मदद के लिए बुला लो। मगर कामुरा पुलिस को कॉल करने से मना कर देता है। दरअसल कामुरा ने पुलिस को कॉल करने के लिए इसलिए मना किया क्योंकि कल उसकी शादी थी और वो नहीं चाहता था कि पुलिस वाले उसके दारू पीने के बाद गटर में गिरने वाली बात उसकी वाइफ को बताए वरना उसकी बेइज्जती हो जाती। अब नियो उससे पूछती है, तुम किस जगह पर हो, तो वो उसे अपनी लोकेशन बता देता है। थोड़ी ही देर में नियो उसकी मदद करने के लिए आने वाली थी। इतने में हम देखते हैं वहाँ पर बारिश आने लग गई है तो कामुरा बारिश से बचते हुए गटर के एक कोने में जाकर बैठ जाता है। थोड़ी ही देर में बारिश पूरी तरीके से रुक गई थी और नियो भी उस लोकेशन पर आ गई थी जो लोकेशन कामुरा ने उसे बताई थी। अब नियो का कॉल उसके पास आता है और वो उससे पूछ रही थी कि तुम कहाँ पर हो, तो कामुरा उसे बताता है, तुम थोड़ा आसपास देखोगी तो तुम्हें एक गड्ढा दिखाई देगा, बस मैं उसी गड्ढे में गिरा हुआ हूँ। नियो थोड़ा आसपास देखती है तो उसे कोई भी गड्ढा नहीं दिखाई देता तो वो ये समझ रही थी कि कामुरा ने उसके साथ मजाक करा है। इसके बाद नियो उसके ऊपर गुस्सा करते हुए बोलती है, आज के बाद मुझे कॉल मत करना और अगर तुम्हें सच में मदद की ज़रूरत है तो तुम पुलिस को कॉल कर लो। अब वो पुलिस को अपनी सारी प्रॉब्लम बता देता है। दरअसल कामुरा को अभी तक ऐसा लग रहा था कि वो किसी कंस्ट्रक्शन साइट के गड्ढे पे गिरा हुआ है मगर जैसे ही उसे पुलिस वाला बताता है कि वो एक गटर में गिरा हुआ है तो उसे काफ़ी अजीब लग रहा था। पुलिस वाला उसे बोलता है कि पुलिस की मदद थोड़ी ही देर में आपके पास पहुंच जाएगी। इस टाइम कामुरा पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट हो गया था। इसके बाद वो अपनी एग्जैक्ट लोकेशन पता करने की कोशिश कर रहा था ताकि अगर पुलिस वाले उसकी हेल्प करने के लिए आए तो वो उन्हें अपनी सही लोकेशन बता सके। लेकिन आज कामुरा का लक काफ़ी ख़राब था। वो जैसे ही अपने मोबाइल की रिकॉर्डिंग को ऑन करके मोबाइल को गटर के ऊपर फेंकता है तो उसका मोबाइल सीढ़ियों पर अटक जाता है। मोबाइल के अटकने से उसे टेंशन हो गई थी कि अगर पुलिस वाले उससे ढूंढते हुए आए और उसने उनका कॉल नहीं उठाया तो वो उसे बिना बचाए चले जाएंगे। इसी टेंशन में वो किसी तरीके से मोबाइल को निकाल लेता है। थोड़ी ही देर में उसके पास पुलिस की तरफ से कॉल आ गया था एंड पुलिस वालों की बातें सुनकर वो समझ गया था कि वो इसकी किसी भी तरीके से मदद नहीं करेंगे। इस वजह से उसे बहुत गुस्सा आ गया था तो वो खुद ही गटर से निकलने की कोशिश करता है लेकिन वो बाहर तो नहीं निकल पाता बल्कि उल्टा नीचे और गिर जाता है जिसकी वजह से उसे और ज़्यादा चोट लग गई थी। क्योंकि कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा था तो उसके दिमाग में खुराफाती आइडिया आता है। वो एक लड़की की फेक आईडी बनाकर ट्विटर पर पोस्ट कर देता है कि मैं गलती से गटर में गिर गई हूँ और मुझे बहुत ठंड लग रही है तो प्लीज़ मुझे बचा लो।
इसके बाद वो इंतजार करने में लग गया था कि उसके पास मदद कितनी देर में पहुंचेगी। तभी हम देखते हैं उसके पास नियो का कॉल आ रहा है जिससे वो थोड़ी देर पहले बात कर रहा था। दरअसल नियो ने कामोरा को उसके पैर पर लगी हुई चोट की वजह से कॉल किया था। वो कामोरा को बोलती है, मुझे अपने पैर पर लगी हुई चोट की फोटो भेजो। तो कामोरा उसे चोट की फोटो भेज देता है एंड चोट की फोटो को देखकर नियो को विश्वास हो गया था कि कामोरा सच में गटर के अंदर फंसा हुआ है। नियो असल में डॉक्टर थी तो वो कामोरा को बताती है उसकी चोट काफ़ी खतरनाक है एंड अगर जल्दी से उसकी चोट से बहते हुए खून को बंद नहीं किया गया तो वो मर भी सकता है। नियो उसे समझाती है, तुम्हारे पैरों से बहते हुए खून को अगर रोका नहीं गया तो तुम मर भी सकते हो। तो कामोरा अपना बैग चेक करने लग जाता है ताकि उसे कुछ ऐसा मिल जाए जिससे कि वो अपने खून को रोक सके। लेकिन उसे मिलता भी है तो स्टेपलर, तो वो स्टेपलर को यूज़ करके अपनी चोट को बंद कर देता है जिससे कि उसका खून निकलना बंद हो गया था। मगर इन सब से उसे काफ़ी ज़्यादा दर्द भी हो रहा था। इसके बाद कामोरा नियो को बताता है, मैंने बहुत कोशिश करी कि मेरी कोई मदद करने के लिए आए लेकिन कोई भी मेरी मदद करने के लिए नहीं आया। इसलिए मैंने एक लड़की की फेक आईडी बनाई ताकि कोई तो मेरी मदद करने के लिए आए। अब नियो उस आईडी का नाम पूछती है जो कामोरा ने बनाई है। तो कामोरा उस आईडी का नाम नियो को बता देता है एंड जैसे ही नियो उस आईडी को चेक करती है उस आईडी की पोस्ट पर काफ़ी सारे कमेंट आ रखे थे। तो नियो उसे बताती है, तुम्हारी फेक आईडी की पोस्ट वायरल हो गई है। एंड जैसे ही कामोरा उस आईडी को चेक करता है उसकी पोस्ट पर काफ़ी सारे कमेंट आ रखे थे जो कि उसकी मदद करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। देखा दोस्तों, अगर लड़की मुसीबत में हो तो सभी लोग उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उस आईडी पर आए हुए कमेंट्स को देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई ना कोई उसकी मदद करने के लिए ज़रूर आएगा। इसके बाद वो उस आईडी पर आए हुए कमेंट्स का रिप्लाई करने लग जाता है और उन लोगों को वो लोकेशन बता देता है जहाँ पर वो फंसा हुआ था। एंड हम देखते हैं कुछ लोग उसकी मदद करने के लिए उस लोकेशन पर आ गए थे जो कामोरा ने उन्हें बताई थी, मगर उन लोगों को कामोरा नहीं मिल पाता। अब कामोरा को समझ में नहीं आ रहा था कि जिस जगह पर वो फंसा हुआ है वो तो शहर के बीच में है तो कोई भी उसे क्यों नहीं ढूंढ पा रहा। इसके बाद कामोरा अपनी पोस्ट पर आए हुए कमेंट्स को चेक करने लग जाता है जहाँ पर वो ये देखता है कि किसी इंसान ने कमेंट बॉक्स में कामोरा की रियल आइडेंटिटी के बारे में बता दिया है कि गटर में कोई लड़की नहीं फंसी हुई बल्कि एक लड़का फंसा हुआ है जो आप सबको पागल बना रहा है। ये सब होने के बाद कामोरा को शक हो गया था कि किसी ने उससे बदला लेने के लिए ऐसा करा है, क्योंकि नियो के अलावा किसी को भी नहीं मालूम था कामोरा गटर में फंसा हुआ है। इसका मतलब किसी जान पहचान वाले इंसान को कामोरा की इस सिचुएशन के बारे में पता है। उसका शक अपनी कंपनी के कलीग के ऊपर आता है तो वो उसको कॉल करके उससे पूछने लग जाता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों करा। लेकिन उस आदमी को कामोरा की सिचुएशन के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। अब वो अपनी पार्टी की वीडियो देखने लग जाता है ताकि उसे मालूम हो जाए किसने उसकी ड्रिंक में कुछ मिलाया है जो वो नशे में होकर गटर के अंदर गिर गया। बैकग्राउंड में हम देखते हैं गटर के अंदर जहरीली गैस के साथ साथ झाग भी बढ़ता जा रहा है। अपने मोबाइल में वीडियो देखने के बाद उसे मालूम हो जाता है किसी अननोन इंसान ने उसकी ड्रिंक में कुछ मिलाया था जिस वजह से वो इस गटर में आकर गिर गया। इसका मतलब कोई इंसान उससे बदला ले रहा है और वो उसकी शादी टूटवाना चाहता है। इतने में गटर पूरी तरीके से झाग से भर गया था जिसमें कामोरा पूरी तरीके से डूब चुका था। धीरे धीरे उसे सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, क्योंकि इस गटर के अंदर जहरीली गैस थी तो वो लाइटर को जला देता है जिसकी वजह से गटर के अंदर काफ़ी तेज की ब्लास्ट होता है जिसके कारण सारी गैस गटर से बाहर निकल जाती है और वो गटर पूरी तरीके से साफ हो जाता है। ब्लास्ट की वजह से कामोरा बेहोश हो गया था एंड जैसे ही उसकी आँख खुलती है तो उसके सामने एक लाश पड़ी हुई थी जिसे देखकर वो डर जाता है। दोस्तों, अब इस मूवी में मेन ट्विस्ट आता है। दरअसल जो लाश उसे दिखाई दी है वो असली वाले कामोरा की है और ये आदमी एक बहरूपिया है जो कि कामोरा बनकर उसकी ज़िंदगी जी रहा है। अब हम कामोरा का पास्ट देखते हैं। कामोरा एक होनहार लड़का था जो कि अपनी मेहनत से आगे बढ़ता जा रहा था। उसकी मेहनत को देखते हुए कंपनी के CEO ने अपनी बेटी की शादी उसके साथ तय कर दी, मगर उसकी ये सफलता
उसी के साथ काम करने वाले योशिदा को पसंद नहीं आई। एक रात योशिदा ने कामुरा को मार दिया। इसके बाद उसने कामुरा की बॉडी को डॉक्टर के पास ले जाकर अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवा ली, ताकि जो लाइफ कामुरा जी रहा है अब वो जी सके। योशिदा कंपनी की सीईओ की बेटी से प्यार करता था, इसलिए उसने ऐसा करा। और वक्त का खेल देखो दोस्तों, योशिदा भी उस जगह पर जाकर गिरा जहां उसने कामुरा की लाश को छुपाया था। इतने में हम देखते हैं नियो कामुरा उर्फ योशिदा को बचाने के लिए आ गई है, जिसने गटर के अंदर एक रस्सी डाल दी थी, जिसकी मदद से योशिदा ऊपर चढ़ जाता है। एंड जैसे ही वो नियो को देखता है तो वो उसे देखकर हैरान हो जाता है। वो नियो नहीं थी बल्कि योशिदा की वाइफ थी, जो कि यहाँ पर योशिदा से बदला लेने के लिए आई थी, क्योंकि योशिदा ने उसे धोखा दिया था। दरअसल जब योशिदा कामुरा बनकर उसकी लाइफ को जीने लग गया था, तब उसकी वाइफ और उसका बेटा योशिदा को मरा हुआ समझकर परेशान रहने लग गए थे, और उन दोनों के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया था। काफ़ी कोशिश करने के बाद भी उन्हें योशिदा की लाश नहीं मिली थी, इसलिए उसे शक हो रहा था कि योशिदा मरा नहीं है बल्कि गायब हो गया है। और थोड़ा छानबीन करने के बाद उसे पता चल गया था योशिदा ही कामुरा बन गया है। अब उसकी वाइफ उसकी प्लास्टिक सर्जरी करने वाली थी, ताकि वो उसका असली चेहरा दुनिया वालों को दिखा सके, लेकिन योशिदा उसी को मारने की कोशिश करने में लग जाता है। देखकर ऐसा लग रहा था योशिदा उसे मार डालेगा, लेकिन उन दोनों का बेटा उसके ऊपर तीर चलाकर अपनी मोम को बचा लेता है। एंड योशिदा दोबारा गटर के अंदर जाकर गिर जाता है। गटर के अंदर गिरने की वजह से उसकी दूसरी टांग भी टूट गई थी और उसका मोबाइल फ़ोन भी टूट गया था। एंड उसका गटर से निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। तो ये दोनों उसे उसी गटर के अंदर छोड़कर उस गटर का ढक्कन बंद कर चले जाते हैं। अब पूरी ज़िंदगी योशिदा कामुरा की उसी लाश के साथ उसी गटर में फंसा रहेगा, और हो सकता है थोड़े दिन में वो मर भी जाए। इस तरीके से मूवी का दी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए। आगे के आने वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।